खुश आमदीद शरीफ शो में। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम मश्क नंबर 22 पढ़ेंगे। आप लोग जितनी मोहब्बत से इस्तकबाल करते हैं और जितना प्यार देते हैं करते हैं, मैं कितना शुक्र अदा करूं अपने रब का कि उसने मुझे ये एजाज़ दिया कि मैं अपनी कौम के गम, उनकी तलखियाँ, उनकी मायूसियाँ, महरूमियों को दूर करने के लिए चंद बातें, कुछ लम्हात आपको ऐसे फराहम करने की कोशिश करूं जिनसे आपको सुकून आए, आप इंजॉय करें अपनी लाइफ को। क्योंकि ये लफ्ज़ बहुत आसान है कि यार इंजॉय योर लाइफ, बट हाउ, कैसे, क्या चीज़ें इंजॉय करने वाली यहाँ पर? क्या रात को घर जाते हुए तलाशी इंजॉय करें? तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता बाहर तलाशी होती है? कौन लेता तलाशी? पुलिस, पुलिस हमारी। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें हर चीज निकाल के दिखा देंगे, तो सही रहोगी? घर बैठा करो। जब मैं नहीं, तुम पीछे 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 पीछे, क्या है मसला, क्या तुम्हारा है? समझ आ रही बात? नहीं तो सही है, अलग अख्तियार कर लो। एक ही तड़ी में ठीक। असल बात क्या है, ये तो आपको खुश करने के लिए मैं मशीनों से भी बात करता हूं, लेकिन असल बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि ना उम्मीद मत होइएगा, प्लीज कभी भी उम्मीद का दामन मत छोड़िएगा। अगर आपने मायूसी अख्तियार कर ली तो हम सब हार जाएंगे। हमें हारना नहीं है, जीतना है। इन हालात से ही तो आते जाते हालात हैं, खराब है तो क्या हुआ, है तो हमारा मुल्क, हमारा जमीन, हमारी इसकी आबो हवा, इसके समंदर, दरिया, झीलें, इसके प्रॉब्लम, इसकी खुशियाँ, इसके गम सब हमारे हैं। हम सब ने इसमें शेयरिंग करनी है, बांटना है आपस में सब दुख सुख, मौज बड़े या आंधी आए दिया जलाए रखना है, घर के खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। हमें हिम्मत और हौसला नहीं हारना। कितनी महंगाई हो जाए, चीनी का एक दाना 500 रुपए का हो जाए, कोई बात नहीं, जबान के नीचे गोली की तरह रख लो, कोशिश करो कि वो घुले ना, उसको मुंह में लेके फिरते रहो, कोई बात कर जवाब मत दो, बस दाना एंजॉय करो। ठीक, महंगाई कितनी हो, क्या होगा, पेट्रोल महंगा हो गया, नो प्रॉब्लम, पैदल चलो, पैदल चलो, रास्ता याद नहीं है बस के पीछे पीछे चलो, हो सकता बस थोड़ी दूर जाके जल जाए, बस में खतरा हो जाए, तो आपको कितना एहसास होगा कि यार खुदा का शुक्र है मैं बस में नहीं था, है कि नहीं? तो अपने आप को आदत डालें अब आप कि हम सहूलतों के बगैर कैसे रह सकते हैं। बिजली नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, पुराना लिहाफ जला लो, उसको आग लगा लो, सारी रात तो आपकी गुजर जाएगी, को रूई बहुत टाइम लेती है, घर का कोई पुराना फर्नीचर जला लो। महंगाई हो गई है, होने दें, उस चीज का बायकॉट करें जो महंगी होगी। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें आसान करे। जो लोग मुश्किलात से लड़ते हैं वो बहुत आगे जाते हैं, और जो आगे जाते हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। वो मेहनत से कैसे आगे जाते हैं, मेहनत आदमी को कहाँ ले जाती है और क्या मुकाम दिलाती है। मैं आपके सामने एक जिंदा मिसाल हूँ, मैं जिन हालात से निकल कर आया, अगर मैं आपको वो कहानी सुनाऊँ आप सब रोने लगेंगे फूट फूट के और भाग जाएंगे यहाँ से उठ के। मैं आपको भगाना नहीं चाहता, मैं तो आपको सुनाना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि मेहनत में कितनी अजमत है। अल्लाह ताला मेहनत का फल ज़रूर देते हैं, और हमारी कौम को तो मेहनत का फल भी और प्लस मिलेगा सब्र का फल भी, मगर कब मिलेगा, एक ब्रेक के बाद। छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, हम मिलाएंगे अपने बहुत ही खूबसूरत मेहमानों से। डोंट गो एनीवेयर।
क्या बात क्या है, क्यों नहीं आई थी कल? हाँ मसला क्या था? अम्मी पुराना मसला, वही अम्मी। अम्मी क्यों होती है भाई रोकने के लिए? मैं देखता हूं तुम्हें कौन, तुम्हारी अम्मी कैसी होगी, लोहे की? जाओ अपनी अम्मी से कह दो हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई एम सॉरी, मैं जरा थोड़ा पर्सनल मसला है, ये काफ़ी दिनों से चला है हमारा चक्कर। और क्योंकि ये टर्मिनेटर की बेटी हैं तो वो ज़रा पावरफुल हैं, तो और मैं इंसान हूँ, लेकिन प्यार तो लोहे से भी हो जाता है, इससे क्या प्यार तो प्यार है, तो हो ही जाता है, वो तो होना था, वो तो होना था, वो तो हो गया। खास हज़रात, मैं जब यहाँ से आपसे मैंने ब्रेक लिया था तो मैंने एक जिक्र किया था आपसे कि मंजिलें मिल जाती हैं लेकिन इंसान को अनथक होना बड़ा ज़रूरी है, और बाज़ वक्त ऐसा होता है कि इंसान मंजिल के करीब पहुँच के भी जो है ना वो पहचान नहीं पाता कि वो मंजिल पर आ गया है, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और तमाम प्रोसेस को क्रॉस करके ना वो अचीव कर लेते जो उनको चाहिए होता है और जो उनके मुकद्दर में होता है। सबसे बड़ी चीज़ें मुकद्दर, जो लिख दिया अल्लाह ने वो अल्लाह आपको देंगे। एक तो आप इसके ऊपर एतमाद ज़रूर करें, आप अल्लाह ने आपको जो भी दिया है वो आपका मुकद्दर है, और अगर मुकद्दर नहीं है तो आपको एक बात बता दूँ कि एक फरमान है कि जो तेरा नसीब है वो तुझे ज़मीन की सात तह में भी मिल जाएगा, ज़मीन की सात तह में, और जो नहीं है तो सात में आसमान पे भी चला जाए तो नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि नसीब तो हम एक ऐसी शख्सियत को मैंने जिक्र कर गया था आपसे, मैं बुलाने लगा हूँ, जो नसीब और मुकद्दर के बीच में चलते रहे चलते रहे चलते रहे, जो तकदीर ने फिर उनको उस जगह पहुँचा दिया जो उनका मिशन था, और अब वो वहाँ हैं, स्टे किए हुए हैं वहाँ और काम कर रहे हैं और बड़ी लगन से काम कर रहे हैं, और इन्होंने तमाम फील्ड में काम किया है, बहुत अच्छा काम करते हैं, रोमांस भी करते हैं और इमोशनल भी करते हैं परफॉर्मेंस, ड्रामेटिक भी करते हैं और ट्रेजडी भी करते हैं, और मतलब जो एक एक्टर के अंदर जितनी वेरिएशन हो सकती है वो उतना वो करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। मैं बुलाऊंगा, आपकी तालियां आपकी मोहब्बतें इस बात का प्रूफ होंगी कि आप उनको कितना पसंद करते हैं। हमारे आज के पहले मेहमान शरीफ शो में मैं वेलकम करता हूं आपके साथ, उनको स्टेज पर बुलाता हूं, तशरीफ लाएंगे जनाब मोहतरम शब्बीर जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भजन? आपको मैं शरीफ शो में खुश आमदीद कहता हूँ, बहुत बहुत और बड़ी ऑनर है कि आप हमारे साथ हैं, और बहुत मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाला, और क्या क्या कहना था मैंने बहरहाल मैं मशकूर हूँ आपका तशरीफ लाने। हज़रत शब्बीर जान, आपके शब्बीर जान जब लफ्ज लगता है, ये पहले आपके नाम के साथ नहीं लगा हुआ था जान, ये जान कब से लगाया आपने? ये जान बूझ के लगाया। ताकि जो भी कहे जान कहे, चाहे जिस तरह से भी कहे, जान है वो, प्यार से कहे, गुस्से से कहे, नफरत से कहे, लेकिन है जान। क्या बात है, जान ऐसा लफ्ज है, ये फिल्मों में रोमांटिक हीरो एक दूसरे के जान जान ये जान वो, तो एक एक रोमांटिक आदमी है आपके अंदर? नहीं, उसमें तो जान पे बनाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। आपने ये जान रोमांस में नहीं रखा है? नहीं, नहीं, ऐसे ही जान, ये यानी जानदार जो होता जान जान देखिए वो वाला जान। आजकल तो वही कुछ चल रहा है, आजकल वही चल रहा है। अरे शब्बीर भाई, आपने माशाल्लाह बहुत काम किया है, इसमें काम बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने इतना काम किया। आपके साथ ही शुरू किया था? मेरे साथ आपने पहला ड्रामा किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, 85 में स्टेज ड्रामा था,
और आपने शुरुआत की थी नो पार्किंग। नो पार्किंग उस्मान मेमन साहब का। उस्मान मेमन, क्या बात है, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। उन्होंने आपको उस ड्रामे में लिया और आपकी जो पहला ड्रामा था आपका, और उस वक्त आज से 25 साल पहले की बात है, बिल्कुल आप क्वाइट यंग मैन स्मार्ट, ये इतना भी आपका जो ये हल्का अभाव इतना बड़ा नहीं था, आप स्मार्ट से लड़के थे बिल्कुल। और एक लड़के को, नौजवान को आपको जो रोल उन्होंने दिया, हालांकि उसमें शकील भाई भी थे, सही, वो जो हमारे शकील साहब हैं वो थे और सब लोग थे, लेकिन उसमें आप बहुत यंग थे और मैं भी उस वक्त बिल्कुल यंग था, बल्कि मैं यंग हो रहा था उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, मैं यंग हो रहा था। आस्ता आस्ता बहुत कुछ याद आएगा और अल्लाह का शुक्र है जो याद आएगा मैं बता भी दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं छुपाने वाली कि छुपाया जाए। तो क्या हुआ कि उस वक्त था मैं और आप आए उसमें, तो आपने आकर के जो रोल किया यार, बड़ा डिफिकल्ट रोल था वो। क्या डिफिकल्ट रोल था कि एक करेक्टर है जिसकी एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, एक टांग नहीं है, एक हाथ नहीं है। अब चार चीजें एक बंदे की बंद करके आप भेज दो स्टेज पर, शुक्र है उसने ये नहीं लिख दिया कि जिसकी जबान नहीं है लेकिन रोल बहुत अच्छा था और बहुत स्टायर था वो, एक बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत उसका वो था। अच्छा शबीर भाई, कब पैदा हुए थे आप? मैं जी 19 फरवरी। तो आपका स्टार बना? मेरा कस्प बनता है, पाइसिस एंड एक्वेरियस का कस्प बनता है। दोनों लगते हैं आपको जी? दोपहर में पाइसिस, शाम को नहीं, दोपहर में एक्वेरियस, शाम को पाइसिस। दोपहर में एक्वेरियस हैं आप, शाम को पाइसिस हैं जी। उसके वक्त क्या बन जाते हैं? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। अच्छा, आपकी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है, थिएटर तो बहुत बड़ा, क्योंकि जिस मुल्क में कोई इंस्टीट्यूट ना हो तो वहाँ थिएटर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट होता है, क्योंकि आपको तमाम लाउडिज्म की भी वो दे देता ट्रेनिंग, क्योंकि थिएटर लाउड है, आपको परफॉर्म लाउड करना है, बॉडी लैंग्वेज आपने ज़्यादा रखनी होती है, क्योंकि दो दूर बैठे हुए लोग उनको भी नज़र आना चाहिए। उमर भाई, सबसे मज़े की बात यह है हमारी कंट्री में कि यहाँ पर जितना भी जिस भी फील्ड में टैलेंट है ना, वो सारा रॉ टैलेंट होता है। हाँ, उसको पॉलिश करने के लिए प्लेटफॉर्म कोई नहीं होता, कोई पॉलिशिया नहीं मिला। हाँ, कोई भी नहीं, पॉलिशिया तो मिलते हैं, मतलब कोई चीज ऐसी हो जहाँ पे आपका जो टैलेंट है वो निखर के सामने। यस। तो जितने आप हो गए या मैं हो गया, जितने भी हमारे साथी हैं, वो सब अपनी मेहनत से, अपनी एफर्ट से, जो हमारे सीनियर्स थे, जो अच्छे डायरेक्टर्स थे, उन्होंने काट थाँच के उनको बना दिया कि जी ये निकल आए, ये निकल आए। ये चीज वाकई में है कि यार हम खुद रो पौधे हैं, बिल्कुल खुद ही, जो जिनको ना को खाद डालता है, ना को पानी, ना को माली, अल्लाह ने पानी डाला, सब हवा भी अल्लाह की, सब कुछ हो गया, सब कुछ अल्लाह की तरफ से हो, बेशक बेशक। और ये अल्लाह है जिसने पूरी कायनात को बनाया, इसी तरीके से हमें भी उसने जराए बना दिए, जराए अब्लाग के आपका ताल्लुक है, सारा कुछ है। जब आदमी शोबिज में जाता है, पैसे आते हैं, शोहरत आती है, गाड़ी आती है, तो सबसे पहले जो बात समझ में आती है वो आती है कि अब शादी क्या करूं। आप जब आए थे ऑलरेडी मैरिड थे जी, या मैरिड था? मैरिड ही आए थे जी। आए मैरिड थे जी, तीन बच्चे थे। तो फिर शोबिज में क्यों आए थे भाई, किसी कारखाने में चले गए? मैरिड करके आ गए इस लाइन में? मतलब यहाँ पे ऐसे लोग थे जो मुझे ये कहते थे कि यार ये अपनी शादी ना बताना, शादी का ना बताना किसी को, शादी का ना बताना। हाँ, मैंने कहा क्यों, मना पड़ेगा पछताना। नहीं, मैंने कहा क्यों, क्यों मेरे बच्चे मुझे टेलीविजन पे देखेंगे और मैं कहूँगा कि मैं नहीं जी शादी नहीं हुई, तो वो कहेंगे यार मेरे बाप ने तो अभी डिसोन कर दिया हमें, आगे पता नहीं क्या करेगा। तो मैंने कहा नहीं, जो है, जो नसीब में है, जो मुकद्दर में है वो है। हाँ। ये भी है और जो कुछ भी है वो भी है, वो भी है, सब है। तो अब क्या क्या है आपके पास? अब दो बीवियाँ हैं माशाल्लाह, मेरे पास दो बेगमात हैं, दो बेगमात। हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, मेरे भी आठ बच्चे हैं लेकिन बेगमात दो हैं। मेरे आठ बच्चे थे, बेगम एक थी। इसका मतलब है कि आपके घर में ही इख्तलाफ है यानी इसमें लग रहा है कि अब्बा की और आपकी बन नहीं रही आपस में। अल्लाह ने करी के रहमत करे, अल्लाह आगर रहमत करे, वो हमें नहीं है, उनकी बड़ी दुआएं हैं मेरे लिए बेशक। और आपको मैं बता दूं, लोग कहते हैं ना माँ की दुआ, मैं कहता हूँ बाप की भी दुआ और बददुआ, बाप भी बहुत करीब है कुदरत के, है ही वो असल में, है ही बाप की दुआ और बददुआ,
यही है, माँ तो हर लम्हे दुआ देती रहती है। माँ तो मेरे ख्याल नाम ही, माँ का नाम ही दुआ होना चाहिए। बिल्कुल, मेरा ख्याल है बिल्कुल, माँ का नाम होना चाहिए तो दुआ, बाप की दुआ मिल जाए इंसान को तो लोग नहीं उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते। अच्छा चलो हम ये डिसाइड करें, माँ का नाम होना चाहिए था दुआ, बाप का नाम होना चाहिए था फातिहा, दुआ और बद्दुआ, दुआ और बद्दुआ, फातिहा। अच्छा फिर आप ये बताइए, फिर इसके बाद बहनों का क्या नाम होना चाहिए था? बहनों का नाम चाहिए था बिबुआ। अच्छा फुप्पो का नाम क्या, आपा बुआ। उसके बाद बीवी का नाम होना चाहिए था, ये क्या हुआ? ये आपका एक सफर आर्ट का शुरू हुआ जी, टेलीविजन के ऊपर जांगलूस आपकी पाला? नहीं, मैंने टेलीविजन पे जब मैं आया थिएटर करके, तो सिर्फ टेलीविजन था और कोई और कुछ नहीं था? नहीं था, तो मैंने 4 साल तक एक्स्ट्रास के रोल किए थे। मतलब वो जाता है जाओ डॉक्टर साहब को बुला के ले आओ, वो भी बड़ी बात है, पीछे से गुजरना हो गया कहीं बाजार में देखते हुए गुजर रहे हैं। हाँ जी, रेस्टोरेंट में आगे जो टेबल पे हीरो हीरोइन बात कर रहे हैं, और पिछली टेबल पे जो टेबल पे बैठा बातें कर रहा खामा, और उसको बोलो आवाज ना निकले, आवाज ना निकले और बातें करनी है, बातें करनी है, वो यूं कर रहा है। तो इस तरह के मैंने पेटीज रखे में आगे, हाँ जी, खा नहीं रहा क्योंकि उस पर दवाई छिड़की हुई, बल्कि वो लकड़ी के बने होते थे। मानते मैं आपको बताता हूँ, ये वाक्य बताता हूँ, अब मैं आपको ख्वातिर दादा एक वाक्य बताता हूँ, थिएटर से रेलिवेंट एक वाक्य बताता हूँ। जब मैं थिएटर करता था, हमारे साथ उस वक्त थिएटर में जावेद शेख भी काम करता था, बहरोज भी करते थे, और मोइन भाई के साथ हम सब उस ड्रामे में थे, रदाक राजू मरूम एक आर्टिस्ट होता था, अल्लाह उसको खरी की रहमत करे, ही वाज अ वेरी फाइन एक्टर, नो डाउट, रियली बहुत फाइन, और वो था, और क्या नाम है, बहुत सारे आर्टिस्ट थे, हमारा इब्राहिम साजन होता था, आफ्ताब आलम था, इब्राहिम राज साहब मरूम, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, ये सारे थिएटर के बड़े अच्छे आर्टिस्ट। उस वक्त फुरकान भाई ने एक बड़ा ग्रुप बनाया था फंडामा से, बड़ा कमर्शियल थिएटर कर रहे थे उस वक्त में, एक ड्रामा अजीज बीगियो एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने एक सीन था हमारा, हम सब सालगिरह का केक काटते और पहले शो में ओरिजिनल केक आया बेकरी से, इतना बड़ा केक, पूरी कास्ट 16-17 आदमी, वो केक कटता है, उस पर इंटरवल था सीन पे, सब खा गए, और वो केक इस तरीके से खाया गया कि कोई यूं ले गया इतना, कोई इतना ले गया, कोई ख़त्म हो गया। अब प्रोड्यूसर जो था ना, वो बोलने लगा, ए भाई मैं आपको एक बात बताऊं, ले जाना इतना केक मैं अफोर्ड नहीं कर सकूंगा, इसका कुछ करना पड़ेगा, 100 ज़्यादा है। उसने क्या किया, रियली ये सच्ची बात है, उसने लकड़ी का केक बनवा लिया, उसी तरह का पैटर्न से बना के ना वो लकड़ी का केक बनवा लिया उसकी, वो बना के अब वो लकड़ी का केक रख देता था, और जहाँ से वो कटा हुआ था ना एक पीस, उसमें ओरिजिनल एक पेस्ट्री रख देते थे। अच्छा बता दीजिए, ये शोबिज़ के अंदर आने के बाद आपने दूसरी शादी करी? जी, पहली शादी उससे आने से पहले थी? पहले तो आने से पहले थी। अच्छा, बच्चों में कोई रुझान एक्टिंग का? नहीं ऐसा कोई खास नहीं। और अगर आना चाहे तो? मेरी तरफ से कोई इनकार नहीं है। कोई इनकार नहीं, नहीं। क्योंकि मैं समझता हूँ ये होना चाहिए, मेरा अपना भी नजरिया ये है कि अगर बच्चे आना चाहें और करना चाहें तो करें, यार हम लोग एक काम करते हैं फिर बच्चे को उस काम से क्यों मना करते हैं? देखिए मैं बिलीव, और अगर बच्चा पूछ ले आप क्यों करते थे, हमारा कोई जवाब नहीं। मैं इसको मीरास नहीं समझता किसी की, ये किसी की मीरास नहीं है कि मैं समझूँ कि मैं मेरा बेटा मुझसे अच्छा एक्टर होगा या मैं उससे अच्छा एक्टर होगा या कुछ होगा, ये बस अपनी एफर्ट होती है, अपनी मेहनत होती है, मुकद्दर है, मुकद्दर होता है एफर्ट, अल्लाह ताला तो एफर्ट देखता है ना उमर भाई, क्या आपने क्या एफर्ट की, कितनी मेहनत की, मेहनत तो सारे लोग कर रहे होते हैं, किस नेक नियति के साथ आपने एफर्ट की वो अल्लाह उसका सिला देता है, और अल्लाह ने आपको सिला अता फरमाया है, और अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी है, शौहरत दी है, दौलत दी है, दौलत का क्या करते हैं? दौलत माशाल्लाह बच्चे सब खा जाते हैं, मैं खा जाता हूँ, बच्चे खा जाते हैं, हाँ दौलत तो खाने के लिए, दौलत तो खाने के लिए होती है, वरना वो आपको खा जाएगी, आप दौलत को खा जाएं वरना वो आपको खा जाएगी। अरे यार इस बात के अंदर एक बात मुझे याद आई कि यार दौलत आपको खा जाएगी, सुन लो भाई, दौलत अगर आपके पास है ना आप रात को बाहर रख के सोया करें, प्यार ही ना करें इससे, जो चीज आपको खा जाए वो प्यार के काबिल है।
बिल्कुल है समीर भाई, देखिए ना जो चीज़ अगर आपके पास है और आपके लोगों को उसकी ज़रूरत है तो उनको जानी चाहिए ना, जानी चाहिए ना, कि आप उसको उस पर बन के बैठ जाएं कुछ के नहीं, नाक साफ कह देना, नाक बन जो भी जो भी, तो आप उसको दें जो भी हो सकता है आपके पास, वो करें आप उसको खर्च करें। अल्लाह ताला भी फरमाता है कि जो मैंने तुम्हें दिया उसमें से खर्च करो। सुन लो भाई सुन लो यार, मैं क्या सुनाऊं इन लोगों, इतने समझदार लोग हैं। हाँ बिल्कुल, अब मैं समझाता हूँ ना, वो मुझे वो ईमेल आती है, आप हमें कहेंगे नहीं समझाते, आप हमें कभी नहीं समझते। नहीं मैं सॉरी, आपको मैं क्या बताऊँ, आपको तो पता ही दौलत का क्या क्या होता है। तो दौलत आने के बाद, एक शौहरत आने के बाद, कॉलर टाई शौहरत लुक्स, ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। पहला आपका, आपने अपने अंदर क्या तब्दीली महसूस करी, ऑनेस्टली बताइएगा। मैं तो नहीं कह सकता इस बारे में, लेकिन जितने भी मेरे जानने वाले हैं वो जब मुझसे मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमें कोई तब्दीली नजर नहीं आती। नहीं नहीं वो तब्दीली हुई नहीं आपके अंदर, अल्लाह का शुक्र है। एक्टिंग में तो हुई होगी, वो एक्टिंग में अल्लाह पाक गाते गाते गवैया बना देता है। अच्छा, गाते गाते गवैया बना, आपका ख्याल है ये मेडिएशन गाते गाते बन गए? नहीं मतलब एक, आप ऐसा कहना है ना, एक मिसाल है ये आपने कहा है। हाँ हाँ, कि मेडिएशन गाते गाते बन जाते हैं। नहीं नहीं वो तो तानसेन भी ऐसे ही गाते गाते, तानसेन बन गए, देखिए बन गया ना। हाँ ऐसे ही थोड़ी, अरे हाँ यार, उससे कहा गया तुम तानसेन हो, तानसेन भी तो बना होगा ना। अरे यार ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आ रही शब्बीर भाई, ये आज आनी थी जब आप आए। चले बहुत शुक्रिया, मुझे ये बात आज पता लगनी थी कि गाते गाते गवैया बन। बिल्कुल, हमारी मुल्क में यही सबसे बड़ी एक, नहीं हमारा मुल्क तो मुख्तलिफ है, हमारे यहाँ तो खाते खाते खवैया बनता है। माशाल्लाह क्या बात, ऐसे ही गाते गाते गवैया भी बन जाता है, जैसे खाते खाते खवैया बनता है। हाँ जी, मुल्क को आप इस जगह पे देख रहे हैं आजकल कि हमें जो हम कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, क्या हम अपना पार्ट प्रॉपर प्ले कर रहे हैं, जो हमारे कंट्री क्राइसिस हैं, जो हमारी नेशन क्राइसिस में है, जो हमारे लोग और इस दौर को क्या कर, एज ए एक्टर आप कैसे इसको देखेंगे? आपकी बात ही दोहराता हूँ, मेरा दिल चाहता है कि ऐसा सब कुछ बना दूँ लकड़ी की तरह कि कोई खा ही ना सके। आपका मतलब है कुछ ऐसा कर, खजाना लकड़ी का हो? नहीं, खजाना लकड़ी का हो, खजाना लकड़ी का, करेंसी नोट लकड़ी की हो, तो खाई ना सके उसको, फिर क्या हो, ये कोई नहीं कहेगा मेरा 1000 का नोट खो गया, लोग कहेंगे यार मेरा 500 का नोट टूट गया यार। कोई बोलेगा यार, अभी तो कहते ना टेप लगा लो यार, जोड़ लो, फिर वो लोग बोलेंगे चाहे जरा यार ये 500 के नोट में कील ठुकवा के लाइए यार। बिल्कुल, आप चाहते हैं लकड़ी का वो हो जाए, जैसे उसमें उस प्रोड्यूसर ने कहा ना कि यार मैं कोई ऐसी चीज रख दूं कि खर्च ना हो जाए, तो इस तरह से मैंने सोचा कि सारा कुछ इस तरह का हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए अल्लाह पाक कर दे कि कोई इसकी तरफ बुरी नगर से देखे ही ना, देखे ना कोई इसके, तो इसको फलात कर दे, इस हमारी जो कौमी दौलत है उसको लूटने का सोचे ना, सोचे ना ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा आप ये चाहते ये हो जाए, और यही मकसद है मेरा, कोई इसको इस्तेमाल ना कर सके, ना कर सके, जो इसका प्रॉपर एक तरीका है, जो एक जायज तरीका है वहाँ पे इस्तेमाल, वो जहाँ जरूरत है वहाँ जाए, जिनको जरूरत है उनके पास जाए। उसके लिए जरूरी है कि हम जितने भी लोग हैं, एक आम आदमी हो या कोई पॉलिटिशियन हो या किसी भी फील्ड का आदमी, अपनी जिम्मेदारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होगा, तब जाके फिर इंशाल्लाह हम मीट कर सकेंगे। जब हम अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे बिल्कुल, तो हम फिर हमें लकड़ी का ये केक और ये लकड़ी का खजाना बनाने की, ये हमारे लिए अहमियत नहीं रखेंगी ना, ये चीज़ें हमारे लिए अहमियत नहीं रखेंगी फिर, क्योंकि जब हम अपनी कुव्वत बाजू पर भरोसा करेंगे तो फिर हमें नहीं अच्छा लगेगा किसी का हक मारना, किसी का पैसा खाना। हम अपना कुव्वत बाजू, हम तो बाजू ही अपना उस वक्त देखते हैं जब हमें इंजेक्शन लगवाना होता है, हमें पता ही नहीं हमारे में ताकत कितनी है, कसम से मैं बता रहा हूँ, आवाम को नहीं पता उनके अंदर ताकत कितनी है, मैं बताता हूँ। देखिए आपके पास सबसे बड़ी ताकत है, आप अपने बाजू जब देखते हैं जब उसमें दाना निकल आता है, जब उसमें इंजेक्शन लगाना होता है, जब लगवाना होता है, नहीं आप अपने बाजू की ताकत देखें, वो हाथ, ये पांचों उंगलियों से एक हाथ बनता है, और इससे आप एक पर्ची डालते हैं बैलेट बॉक्स में, वो है वोट, वो है आपकी ताकत, वो आपकी कुव्वत है, उसका इस्तेमाल जिस दिन आपने सही कर लिया, आप देखेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हर चीज़ आपको मिलेगी, हर चीज़ आपको मिलेगी। ख़वातीन हज़रात, चलती हुई गाड़ी में अचानक अगर झटका लगे तो क्या कहेंगे आप, क्या लग गया? ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक छोड़ दा, ब्रेक कहीं मत जाएगा, डोंट गो एनीवेयर, वी विल राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर दिस। आगे हम वापस एक बार आ गया ना। मैंने कहा था ना आज चांद निकलेगा। अच्छा खत्म हजरात, हम चाहते हैं अपनी सारी हरकतों से, अपनी सारी बातों से आपकी फ्रस्ट्रेशन को कम करें। आप घर में बैठे हुए खौफ के मारे खिड़कियां दरवाजे बंद करके, अल्लाह रहम करिए, अल्लाह अल्लाह अभी पूछो क्या हुआ बाजी, बिजली का बिल आने वाला है, क्या मुसीबत आने वाली है भाई, क्या हो गया, आने तो आने, क्या हो गया, अरे नहीं भाई तुम्हें नहीं पता, हमारा तो फ्रिज भी बंद है, हमारा तो वो भी बंद है, इनकी तो स्कूटर भी बंद है, अरे स्कूटर से बिजली का क्या था, वो कह रहे स्कूटर की लाइट जलती है ना, उसका भी बिल आ गया हमारे घर, गाड़ियों का बिल, गाड़ी के अंदर किसी ने लाइट जलाई, घर बंद कर दो यार, लोड शेडिंग है। बहुत तंग हैं लोग लेकिन खुश हैं लोग, मैं मुझे क्या, जब आप लोग खुश हो तो मैं क्या करूं। खौत हजरात, जब हम खुश हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम खुश हैं तो शायद ज़माना खुश है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम खुश होते हैं तो बहुत सारे लोग नहीं खुश होते, हम रो रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग हंस रहे होते हैं। ये तकदीर है, और ये तकदीर ही है जो इंसान को सारे मकाम से घुमा फिरा के फिर वहाँ ले आती है। और हमारी जो सेकंड गेस्ट है, उस गेस्ट की भी शौहरत, उनको जितनी फेम मिली उनको पाकिस्तान में, उनका पहला ही जो आया था नंबर, उनका वीडियो एल्बम, वो बाऊजी बाऊजी पंगड़ा साढ़े नाल पाऊजी, ये एक बड़ा हिट गीत था, गाना भी अच्छा था, उसको जो उसको पिक्चराइज किया वो भी अच्छा था, म्यूजिक बहुत अच्छी थी, फिर फनकारा भी बहुत अच्छी थी, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि वो हिंदुस्तान से बना सारा मसला, और वो फिर वो इंडिया भी गई, और इस दौरान में उनका सफ़र जारी रहा। शरीफ शो है, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के आर्टिस्टों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, हम अपने लोगों को लाएँ, हम किसी से कम थोड़ी है भाई, क्या कमी है मेरे में, बोलो बोलते क्यों नहीं तुम लोग, नहीं बोल सकते ना, बोल सकते हो तुम लोग लेकिन तुम लिहाज में नहीं बोल रहे हो, कोई बात नहीं, तो हम बुला लेते हैं आपकी पुरजोर तालियों में अपने सेकंड गेस्ट को। बहुत खूबसूरत आवाज़ है और बहुत खूबसूरत शक्ल भी है, और ये बड़ा ख़तरनाक काम होता है, आवाज़ अच्छी हो ऊपर से शक्ल भी अच्छी हो, देखो ना ये हिट होने वाला काम होता ना, ये तो वो हिट है, और अभी भी वो हिट है, बल्कि बहुत फिट है। आपकी भरपूर तालियां, तशरीफ लाएंगे हमारे सेकंड गेस्ट कमल रिज़वी। अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है भाई। मैं आपको शरीफ शो में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत छोटा सा था जब मैंने आपकी वीडियो देखा था, वो गाना मुझसे बहुत लोग कह चुके हैं। नहीं मैं तो बहुत ही छोटा था वाकई में, तो मैं पता नहीं किसी से तोतली सी ज़बान में पूछा ये तो होना है, तो मेरे मामू ने मुझे बताया बेटा ये कोमल रिज़वी हैं और ये इनका गाना है, तो बहरहाल वो गाना सुन के बहुत इन्जॉय किया था। मुझे आज यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपके साथ इस शो में बैठा हुआ हूँ। एक्चुअली मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ, बिकॉज इट्स अ बिग बिग ऑनर। मुझे बहुत बहुत खुशी है इस वक्त आपके साथ। इट्स वेरी बिग ऑनर एंड वेरी रिस्पेक्टेबल मोमेंट फॉर मी कि आई एम सिटिंग फ्रंट ऑफ यू एंड यू गाइस, यू आर वेरी फेमस, यू नो हमारा शो उर्दू में है। ओह मुझे याद नहीं रहता, मादर खा हूँ आपसे। कोशिश करें कि हम लोग ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना इंग्लिश का करें, ताकि ये डिफ़िकल्ट हो जाए, डिफ़िकल्ट चीज़ हिट होती है। हाँ हमेशा, ये आपको बता दूँ अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर इंप्रेशन ही पड़ा हुआ बस, कि यार ज़रा सा मुँह इधर उधर कर लो तो लोग डर जाते हैं सारे। अगर आपको रात को पुलिस चेक करे आप उसे सिर्फ इंग्लिश बोलना, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तो जा नहीं पा रही। अच्छा अभी मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बता, अभी हमने आपका गाना वो बाऊजी बाऊजी पुराना फर्स्ट जो सॉन्ग वो फर्स्ट, दैट वाज फर्स्ट जी, दैट वाज द फर्स्ट एल्बम, फर्स्ट एल्बम, उसमें और भी गीत है, एक ही गाना था ये, दस गाने थे जी, दस गाने, दस ले दस।
दस गाने हो गए। अच्छा, तो ये आपका स्टार्ट था 1998 में जी, और आपने गाना सीखा है या ये एक आपको वैसे ही आता है गाना? एक्चुअली आई थिंक पर्सनली आवाज़ तो एक गॉड गिवन चीज़ होती है, बट उसको पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। मैं जहाँ तक सीखने का ताल्लुक है, आजकल तो बहुत सीरियसली सीख रही हूँ, लेकिन सीखने का जो मेरा सिलसिला है वो बहुत ऑन एंड ऑफ रहा है। गैप आते रहे बीच में। जी, तो किससे सीखती थी आप? अदरीस हुसैन साहब जो आते थे, और आजकल हैं जफर अली खान साहब। अच्छा, अच्छा, तो वो मुझे वो सीरियस सारा अब आपको काफ़ी आ गया होगा, राग रागनियों का पता चल गया। आपने भी कोई इस पर दस्ते शफकत रखा है? आई ऑब्वियसली मैं इतना ज़्यादा बल्कि बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ जानती हूँ अभी तो, मैंने सीखना शुरू किया है एंड यू नो जितना मैं सीखती हूँ उतना मुझे लगता है ओ माई गॉड मुझे यू नो बिल्कुल नहीं पता है। आप अपने सर पे ओ माय गॉड मुझे तो गाना आ गया, मुझे गाना बिल्कुल नहीं आ गया। बट इट्स ट्रू, जितना आप सीखते जाते हैं गाना एक ऐसी चीज है, ये समंदर है। या आपको लगता है आप लिटरली आपको अब रिवर्स चल रहे हैं, आपको और डर लगने लगता है बिकॉज़ फिर आपको थोड़ा समझ आने लगती है कि गाना एक्चुअली होता क्या है। ट्रू बात। अच्छा, वो गाने में पहले शब्बीर भाई आपको भी म्यूजिक का काफी शौक है, शुगर समझ भी है, सुन रियली? मैं पहले गाता ही था। ये पहले गाते थे फिर इनको मोहल्ले ने समझाया। आप कब पैदा हुए? You should never ever ask a lady when she was born. मतलब क्या पूछे फिर आपसे? कुछ और पूछना चाहिए। चले जाओ, आप छुपा लें, ना बताएं मुझे, यही होगा ना, मुझे पता नहीं चलेगा आप कब पैदा हुई थी। ये तो कोई बात नहीं है कि हम ये छुपाएं कि हम पैदा तो हुए ना, फिर ये क्यों छुपाना कब हुए? एक अंदाजा भी एक चीज होता है बस। और मैं आपको बताऊँ, आप वैसे तो बड़ी अच्छी प्यारी क्यूट हैं, लेकिन एक हंसी एक ऐसी चीज़ है जो उम्र बता देती है। आप हंसें, मैं बता दूंगा कितने साल की हम। मैं जब से आपके शो पे आई हूँ मैं हंसी रही हूँ, और मैं अंदाजा लगा रहा हूँ उम्र का। लेकिन आप हंसी में आवाज़ बदल रही हैं। हम ले आएंगे आपको ट्रैक के ऊपर, अभी ले आएंगे। चलें, स्टार क्या है आपका? किंग ऑफ द जंगल, शेरनी, लियो। लियो, मेरा पूछे क्या स्टार है? क्या स्टार है? दियो। लियो, दियो, जियो। यानी क्या अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया, वाह वाह वाह। अच्छा, आपने बताया आपका स्टार लियो है, लियो शेरनी जंगल, यू नो। आपका क्या स्टार है बताएं ना। मेरा गेस करें। आप सैजिटेरियस हैं? नो। एक्वेरियस? नो। वर्गो? तो फिर तो कुछ और होगा, सारे पूछ लो। मैं आपको बताता हूँ, एरीज। एरीज, यस। 18th अप्रैल मेरे भाई की है, 1st अप्रैल मेरे दूसरे भाई की है, मेरे पूरा फैमिली एरीज है। अच्छा, तो मुझे भी फैमिली में शामिल है। हमने एक फैमिली बना लेते हैं, एरीज फैमिली। नहीं नहीं, आप तो हैं ही शरीफ, तो आप तो ऑटोमेटिकली शरीफ आदमियों के साथ फैमिली बनाए आप। फैमिली होती शरीफों की है, बाकी लोगों की फैमिली थोड़ी होती है, वो तो गेट टुगेदर होती है। अच्छा, पहली दफा गाने का ख्याल कब आया? सीरियसली पूछ रहा हूँ, इस बातें करने से पहले मैंने गुनगुनाना सीखा, मुझे इतनी छोटी उम्र से शौक है। क्या कहा से पहले? बातें करने से पहले जी, जब अभी आपको सही लफ्ज नहीं आते थे, लेकिन आप यूं मैं डांस भी करती थी बचपन में। ऐसी होंगी आप, है ना? मेरे पढ़ने में नहीं लागे दी, ये ऐसे गाने गाती होंगी आप। आप भी गुनगुनाए होंगे जो इतना आपने मेडिएशन साहब के गाने पे हाथ डाल दिया भाई। बस ऐसे ही शौक, गाने सुनता था मैं। हाँ। और उसके साथ गाने की कोशिश करता था। अच्छा, पहला गाना किसका सुना जिसको आप कहते यार क्या सिंगर है यार, व्हाट अ सिंगर? मैंने किशोर कुमार साहब। हाँ, क्या बात है। ये वो ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जी, मुकद्दर का सिंगर जी, क्या बात है। आप किसको पसंद करती हैं फीमेल सिंगर को पाकिस्तान में? ऑब्वियसली मैडम
लेकिन मेरी ऑल टाइम दो फेवरेट्स हैं, एक तो है रूना लैला। हाँ, क्या बात क्या बात, आई लव हर वॉइस। मैं चाहूंगा इनके लिए क्लैप होने चाहिए, रूना लैला का वाओ, शी वाज एक्सीलेंट। ऐसी आवाजें बहुत कम होती हैं, और निसार बज़मी साहब ने उनको इतनी हसीन कंपोजिशन दी है, और क्या उन्होंने हक अदा किया उसका, क्या बात। आपको पता उनके साथ बिचारियों के साथ क्या हुआ, हिंदुस्तान गई लता बाजी जो है हमारी आपी, उन्होंने आपी लता ने उनको वहाँ से निकलवाया, हिंदुस्तान से कट करवाया उनको, कसम से ये मुझे खुद उन्होंने बताया अरुणा लल्ला। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार लता जी का कैलिबर नहीं है कि वो किसी को कट कराएं। अच्छा, एक कोमल और चीज़ आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ ज़्यादा रही है, किस मुल्क में ज़्यादा रही है? सबसे ज़्यादा मेरी रहाइश रही है नाइजीरिया में। नाइजीरिया जी, आप नाइजीरिया गए? अच्छा, इनकी तो माशाल्लाह दो शादियां हैं, लव मैरिज है। आपसे कोमल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या जी? मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ लेकिन मैं पूछ रहा हूँ। ये मेरा साइलेंट क्वेश्चन है। साइलेंट जवाब दे देंगे। अच्छा, ठीक। फौत हो? दुआ करा लो। चलो, अल्लाह ताला जो जहाँ भी है खुश रहे, मैं तो कह। लेकिन जिंदगी के कुछ कभी ऐसा लगा कि इंसान अपनी जिंदगी में फैसले भी गलत कर जाता है? डेफिनेटली, नो वन्स परफेक्ट। अच्छा, लियो वाकई में, मैं आपको सीरियसली बताऊं, बहुत अच्छा स्टार है, बड़ा लविंग है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाला स्टार है। इसके अंदर बहुत सेक्रीफाइजिंग है, बहुत ज़्यादा। मैंने क्योंकि ये बड़ा पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट, तो मुझे सारा पता है इस बात का, इसलिए मैं आपसे बहुत सीरियसली बात कर रहा हूँ। कि इस वक्त मैं यही कहूँगा कि एक औरत तो होती ही वफा की पुतली है, और उसके अंदर कूट कूट के पाकिस्तान की औरत में तो वफा भरी हुई है बेचारी में। एक्चुअली औरतों का मोहब्बत का भी एक एलिमेंट जो होता है ना, अपने शौहर से, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर जो मोहब्बतें ज़्यादातर शादी के बाद ही होती हैं। अच्छा, मोहब्बत होनी भी शादी के बाद चाहिए? हमारे क्या होता है कि शादी से पहले इतनी मोहब्बत कर लेते हैं कि शादी के दो महीने बाद नफरत हो जाती है। वो शादी से पहले इतनी बातें कर लेते हैं कि बाद में बातें नहीं करते, बातें खत्म हो जाती हैं। अच्छा, और हम लोग समझते हैं औरतें बातें भूल जाती हैं, जो आप उनको भिड़ा रहे होते हैं ओहो, वो बातें सारी याद, ये नहीं कहा था वो आदमी को, तो यार वो तो मैंने ऐसी बातें की थी बैठ के, मगर उनको होता है कि ये बातें नहीं, तो बातें भी सोच समझ के करनी चाहिए। बिल्कुल, वो याद आता है, बुरी याद आती है, वो बातें जब याद आती हैं तो कलेजा मुंह आता है। आप क्या कह रही थी, आपकी याददाश्त? मैं, आप तो लियो का जानते होंगे, बहुत ज्यादा बुरी याददाश्त है, कुछ याद ही, मैं सोचती थी क्या मैं कहना चाह रही थी, मुझे याद ही नहीं आता। इट्स लाइक इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू फाइट। आपको ये तो याद है ना कि आप शरीफ शो में आई हैं? ये अभी पास्ट नहीं हुआ है, ये अभी प्रेजेंट है। अच्छा, ये अभी आपको याद है ना, और खातिन अदद आपको भी याद है कि आप शरीफ शो देख रहे हैं, और आपको ये भी याद है कि ये इतने मज़े से आप देख रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको मज़ा चखाता हूँ। कि आपको कुछ इश्तिहार दिखाने पड़ते हैं, हमें बहुत मजबूरी, हमारे हालात, मुझे मालूम है, आप गुस्सा ना करें, लेकिन ये छोटी सी ब्रेक लेंगे हम, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू करते हैं कोमल से। बल्कि गुफ्तगू कोमल से म्यूज़िकल करेंगे, अब हम जो कोमल से बात करेंगे गा गा के करेंगे, क्योंकि ये एक सिंगर हैं और शब्बीर जान भी सिंगर हैं, तो अब हमारी जो गुफ्तगू होगी वो सिंगिंग होगी, यू नो, सिंगिंग टॉक इन म्यूजिक लाइन। तो हम अभी करेंगे, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, बैठिए बैठिए बैठिए, डोंट मूव, आते हैं और मिलते हैं आपसे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद हम वापस आ गए, और हमारे साथ, हम इतनी देर से बातों में लगे हुए, लेकिन हमारे साथ मुझे अभी ख्याल आ गया, क्या कर रहा हूँ मैं भी हुकूमतों की तरह पागल सा हो गया हूँ यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए मुझे। सिंगर बैठे और मैं बातें कर जा रहा हूँ, अब नहीं करूँगा, प्लीज़। कोमल जी जी, मैं आपको सच्ची बातें करता हूँ ताकि आपको मेरा यकीन आ जाए। ओके, आप बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत
स्टाइलिश आपका वो एक अंदाज है, बहुत अच्छा गाती हैं आप। थैंक यू। और मैं कहता हूँ कि आपने बीच में ना गा करके ना पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट से दूर रखा आपने, ये आप माने कि आपने कि जुल्म किया पाकिस्तान के ऊपर, यकीन यकीन करा। मैं सारी मजाक से हट गई, मैं बहुत सीरियसली बात कर रहा हूँ। आप ऐसा टैलेंट है कि मैं समझता हूँ आप हुई, आपको मैं इसलिए उसमें दे रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठी आप हैं, या हदीका क्यानी है हमारी, और या हमारी वो नाजिया हसन थी, आप लोगों को वो अंदाज जो है ना, ये जो हमें जवाब देना चाहिए ना मुख्तलिफ लोगों को, यार हमारे पास भी ऐसा टैलेंट है, उसमें से आप एक हैं, तो आपको आप नहीं चुके नहीं, मैं सच्ची बातें कर रहा हूँ। और ये अलग बात है कि मैं झूठा आदमी हूँ, एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त मैं सच बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। लेकिन प्रोग्राम के अंदर सच्ची बात करना बड़ा मुश्किल बात होती है। सदर भाई आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं ना? बिल्कुल। हजरत, मैं अपने इन दोनों मेहमानों को, मेरे दोस्त शब्बीर जान बोलने की पोजीशन में नहीं है, उनका सांस इतना फूल चुका है क्योंकि उन्होंने इतना डांस किया है। Big hand for him, please. हम चाहते हैं हमारे मेहमान यहाँ से बहुत सारा प्यार लेकर के जाएं, और हम चाहेंगे यही प्यार हमारी कोमल हिजवी के लिए होना चाहिए, प्लीज। कोमल जी, मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ। शब्बीर जी, मैं आपका भी मशहूर हूँ। थैंक यू भाई। हाजरात, आपका मशहूर हूँ, जो देख रहे हैं उनका मशहूर हूँ। आज हमने एक ऐसी फनकारा को आपके सामने पेश किया जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को सुनाया है लोगों को जाकर के, और ये फिर से पाकिस्तान में हैं। हमें इन्हें एक बार फिर वो रिस्पांस, वो मोहब्बत देनी है जिसका, जो कि हमारी ज़रूरत है, हमारा फ़र्ज है, और ये हमारे मुल्क का टैलेंट है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ।